बात गुजरात की। गुजरात के मोरबी में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। मोरबी में सब्जी मंडी में लॉकडाउन की परवाह किए बिना भारी भीड़ दिखाई दी। वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। लोग एक दूसरे के पास खड़े थे और ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात का मोरबी, जहां सब्जी मंडी में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, उस वक्त जब बड़ी संख्या में लोग इस सब्जी मंडी में नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह थी, एक दूसरे से कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के बेहद करीब नजर आए ये तमाम लोग, जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। बात कर्नाटक की। कर्नाटक के हावेरी में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन तोड़ने वाले 30 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि ये लोग लॉकडाउन के बीच मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे और वहां कई लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मस्जिद पहुंची और वहां से लोगों को बाहर निकाला। एक एक कर लोग बाहर निकले, जिनकी पुलिस ने लाठियों से पिटाई भी की और दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में एक फैक्ट्री में काम करते हुए 45 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बावजूद फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री में मजदूरों से लगातार काम करवा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काम बंद करवा दिया गया। पुलिस ने दो फैक्ट्रियों पर छापेमारी की और दोनों के मालिकों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इन फैक्ट्री में 45 मजदूर काम करते हुए पाए गए, जिसके बाद फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल का यह मामला है, जहां दो फैक्ट्रियों पर पुलिस ने छापेमारी की। हम लोग पहुंचे तो वहां पे साईं धाम कॉलोनी में 25 मजदूर मिले और काजी मोहल्ला जहाँ उसका गोदाम है, दोनों जगह गोदाम है, वहां भी कुल 20 मिले। कुल मिला के लगभग 45 मजदूर मिले हैं। मजदूरों को देखा गया तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग था, काम कर रहे थे, लेकिन ये जो मालिक थे ये आपस में सोशल डिस्टेंसिंग इन लोगों का नहीं था, इन लोगों की दूरी नहीं थी, एक दूसरे के साथ सटे बैठे थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच आपको बता दें, स्मृति ठक्कर गुजरात की पहली प्लाज्मा डोनर बन गई हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक हुई स्मृति इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट गई हैं। अब मेडिकल टीम स्मृति के खून से लिए गए प्लाज्मा को किसी और कोरोना संक्रमित को देकर उसे ठीक करने की कोशिश करेगी। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए डॉक्टरों ने स्मृति और उनके परिवार की तारीफ भी की। तो कोरोना से ठीक हो चुकी हैं स्मृति और अब वो पहली प्लाज्मा डोनर बन गई हैं। गुजरात की हैं स्मृति ठक्कर गुजरात की पहली प्लाज्मा डोनर बनी है। द फर्स्ट डोनर, कन्वेलेसेंट डोनर फॉर प्लाज्मा थेरेपी इन गुजरात, एंड आई कंग्रेचुलेट हर एंड हर पेरेंट्स आल्सो हु हैव परमिटेड हर टू डोनेट। टेक्नोलॉजी के जरिए देश के लोगों को कोरोना महामारी के चंगुल से बचाने के लिए सरकार ने तकनीकी समाधान के तौर पर आरोग्य सेतु ऐप को उतारा है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की महानिदेशक नीता वर्मा के मुताबिक यही आरोग्य सेतु लॉकडाउन के दौरान ई पास का भी आधार बनेगा। नीता वर्मा जी, ये ऐप काम कैसे करते हैं? देखिए, आरोग्य सेतु एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है सिटीजन्स और हम सब की जो एक कलेक्टिव फाइट है अगेंस्ट कोरोना वायरस। इसको बेसिकली डाउनलोड करने से एक तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से 11 लैंग्वेजेस में ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके क्या सिम्टम्स हैं और उसके हिसाब से आपको क्या एहतियात बरतनी है। अगर आप सेफ जोन में हैं तो आपको घर में रहना है, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना है, मास्क सैनिटाइज करना है और हैंड हाइजीन को फॉलो करना है। अगर आप किसी कोरोना वायरस कंफर्म पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए हैं तो फिर आपके लिए डिफरेंट एडवाइस होगी। अगर आप खुद कंफर्म पॉजिटिव है तो आपके लिए डिफरेंट तरीके की एडवाइस होगी। तो एक तो इसमें ये, और ये आपको सेल्फ असेसमेंट के बेसिस में कि आप बताते हैं मुझे क्या सिम्टम है, उसके हिसाब से आपको एडवाइस दी जाती है। दूसरा एक इसमें इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी टूल लगा जिसको कि बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। उसमें बेसिकली आपका जब भी आपके फोन पे आप इसको डाउनलोड करते हैं तो तब से आपका ब्लूटूथ के थ्रू ये एक आपका सोशल ग्राफ बनाता है कि आप किस किस और दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं।
पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिक्योर मैनर में एनक्रिप्ट फैशन में आपके फोन में रहती है। अगर मैं कोरोना पेशेंट के संपर्क में आता हूँ तो क्या ये ऐप मुझे बता देगा कि आप कोरोना पेशेंट के संपर्क में आए हैं, या फिर मैं रेड जोन के आसपास कहीं जाता हूँ तो क्या ये ऐप बताएगा कि आप डेंजर एरिया के आसपास हैं? तो एज ऑफ नाउ अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो आपको ये ऐप जरूर बताएगा। जहां तक डेंजर जोन है, जिनको कि हॉटस्पॉट्स कहते हैं, वो फीचर्स अभी इसमें डेवलप हो रहे हैं और बहुत जल्दी वो भी पता लगना शुरू हो जाए। अगर आप इस ऐप को देखें, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसने बहुत हाई ऑर्डर की ट्रांसपेरेंसी बिल्ड की है। इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी जो कि ऐप के अंदर ही आपको मिलती है, उसमें बहुत क्लियर तरीके से समझाया गया कि इन्फॉर्मेशन कैसे कैप्चर की जा रही है और इसका क्या यूज हो रहा है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेरेशन है तो इसको ट्रस्ट करना चाहिए।